गर्मियां शुरू हो गई है तो इस समय कुछ ठंडा ठंडा और नया सा कुछ खाने का मन होता है और मार्केट में खरबूजा यानी कि मुस्क मेलन भी मिलना शुरू हो गया है। तो इस मुस्क मेलन से बिल्कुल भी नया सा और टेस्टी सा आज हम मुस्क मेलन पंच बनाएं, जो कि शरीर के लिए बिल्कुल भी ठंडा सा होता है और एक खाके पीने में भी बिल्कुल भी टेस्टी सा लगता है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। हे फूडीज, वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूँ अंजू। तो चलिए इस मजेदार से रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो इस पंच को बनाने के लिए हमने यहाँ पे एक खरबूजा लिया है, इसे मैंने अच्छे से धो के सुखा लिया है। तो इस खरबूजे का जो ऊपर का हिस्सा है इसे हम इस तरह से काट लेंगे। काटने के बाद एक चाकू की सहायता से या चम्मच की सहायता से खरबूजे में जो भी अंदर बीज है उसे आप इस तरह से निकाल दें और खरबूजे को अंदर से अच्छे से क्लीन कर लें। बीज को अच्छे से निकाल देने के बाद अब इसके अंदर जो पल्प है इसे हम इस चम्मच की सहायता से इस तरह से निकाल लेंगे। सारे पल्प को यहाँ पे निकालते हुए खरबूजे को हमें यहाँ पे पूरी तरह से खाली करना है। तो ये देखिए, इस तरह से हमने खरबूजे में जो भी पल्प था वो पूरी तरह से इस प्लेट में निकाल लिया है। तो इसमें से थोड़ा सा पल्प हम एक प्लेट में निकाल लेंगे, बाकी का बचा हुआ हम यहाँ पे डालेंगे मिक्सी जार में। उसके बाद हम यहाँ पे डालेंगे 4 चम्मच नॉर्मल दूध। उसके बाद इस जूस को थोड़ा सा ठंडा करने के लिए हम यहाँ पे डालेंगे कुछ आइस क्यूब्स। मिक्सी जार का ढक्कन लगाते हुए हमने यहाँ पे जूस तैयार कर लिया है, ये देखिए। अब इस जूस को थोड़ा सा मीठा करने के लिए हम यहाँ पे डालेंगे 2 चम्मच चीनी। तो यहाँ पे एक बार फिर से मिक्सी जार का ढक्कन लगाते हुए इसे हल्का सा मिक्सी जार में ब्लेंड कर ले, जिससे हमने जो चीनी डाली थी वो भी मेल्ट हो जाए। यहाँ पे जूस बनके तैयार है, इसे हम रखते हैं साइड में और चलते हैं खरबूजे की तरफ। तो आज का ये जो पंच है इसे आज हम इस खरबूजे में ही बनाएंगे। बिल्कुल भी नई रेसिपी है फ्रेंड्स, तो आप इसे एक बार से जरूर से ट्राई कीजिए। यहाँ पे हम सबसे पहले डाल रहे हैं खरबूजे का जूस, उसके बाद हमने यहाँ पे जो पल्प को निकाल के रख लिया था वो यहाँ पे डाल दें। पूरे पल्प को हम यहाँ पे एक साथ नहीं डालेंगे, थोड़ा सा पल्प हम बचा के रखेंगे। इसके बाद इसके ऊपर डालेंगे कुछ किशमिश। अब इसमें हम डालेंगे कुछ ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स में मैं यहाँ पे सबसे पहले डाल रही हूँ बारीक कटे हुए बादाम। उसके बाद हम यहाँ पे काजू डालेंगे। इसका टेस्ट और भी रिच बनाने के लिए हम यहाँ पे डाल रहे हैं कुछ टूटी फ्रूटी। आप चाहे तो यहाँ पे थोड़ी सी रबड़ी या कंडेंस मिल्क यहाँ पे डाल सकते हैं। टूटी फ्रूटी यहाँ पे डालने के बाद मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 3 से 4 स्कूप वेनिला आइसक्रीम। आपके पास जो भी फ्लेवर की आइसक्रीम हो वो आप यहाँ पे डाल दें। आइसक्रीम डालने के बाद हमने ऊपर से फिर से पल्प को डाल दिया है। अब इसके ऊपर हम फिर से डालेंगे कुछ ड्राई फ्रूट्स और इसके साथ ही कुछ टूटी फ्रूटी भी डालेंगे। लास्ट में इस पंच का फ्लेवर और भी बढ़ाने के लिए हम यहाँ पे डालेंगे 2 चम्मच रूह अफ़ज़ा और इसे आप और भी डेकोरेट करने के लिए इसके ऊपर और भी चेरी भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे ये मुस्क मेलन पंच बिल्कुल भी तैयार है, तो इसे आप खा के पिए या पी के खाइए।
जो कि किया है हमने ड्राई फ्रूट से फुल्ली लोडेड। तो आप देख सकते हैं इस मस्कमेलन का कितना हेल्दी और टेस्टी सा मस्कमेलन पंच बन के तैयार हुआ है। आप भी इस पंच को एक बार ट्राई कीजिएगा, आपको भी ये बहुत ही पसंद आएगा। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। और इसी तरह की नई नई समर रिफ्रेशिंग ड्रिंक्स देखना चाहते हैं तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। तो मिलते हैं फ्रेंड्स इसी तरह की नई रेसिपी के साथ। बाय बाय।